मिनट रुको, पहले आंसर आप देना फिर मैं पढ़ूंगी। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन पार्ट सेकंड है, कल मैंने करवाया था एक्स्ट्रा क्वेश्चन पार्ट वन, और जो मैं मंडे को करवाऊंगी तो कोशिश करूंगी कंप्लीट कर दूं चैप्टर, ये भी कंप्लीट करने की और वो भी कंप्लीट करने की उसकी। तो लॉस्ट चाइल्ड क्या होता है, लॉस्ट चाइल्ड को कौन सी स्वीट्स चाहिए थे आप मुझे बता सकते हो, कौन कौन से चाहिए थे स्वीट्स, बस स्वीट्स। हाँ, तो बर्फी, रसगुल्ला, जलेबी, ये सारी चीजें लॉस्ट चाइल्ड को चाहिए थे। एक बार इसका क्वेश्चन इंग्लिश में रीड कर लो आंसर, मतलब लॉस्ट चाइल्ड जब मेले में गया था तो उसे बहुत सारी चीजें चाहिए थी, और स्वीट्स उसमें से एक थी, स्वीट्स भी उसको चाहिए थी, और उसमें कौन कौन से उसको स्वीट्स चाहिए थे, उसे चाहिए थी बर्फी, रसगुल्ला, जलेबी, ये सारी मिठाइयाँ लॉस्ट चाइल्ड को चाहिए थी। क्लियर क्लियर, चलो सेकंड रीड करो। देखो जब लॉस्ट चाइल्ड को कुछ भी चीज मिलने नहीं थी जो वो अपने पापा मम्मी से कह रहा था, तो उसका रिएक्शन कैसा था, सैड ही होगा, खुश, वही बात, अब खुश तो ना होगा, एक तो उसे चीज नहीं मिल रही और इतने समय से कोई एक भी नहीं मिल रही, तो वो काफी सैड था, काफी दुखी था, माना नफरत नहीं करता था अपने पापा मम्मी से, लेकिन दुखी था, he was sad। उसके जो कह सकते अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड, जैसे बच्चों का नेचर होता है, वो काफी दुखी था जब उसे कुछ भी चीज नहीं मिल पाई। क्लियर, रीड करो आंसर। जब उसके पेरेंट्स ने उस पे रत्ती भर भी अटेंशन नहीं दिया, बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया, उसकी बात नहीं सुनी, तो लॉस्ट चाइल्ड काफी ज्यादा दुखी हो गया, बच्चा काफी ज्यादा दुखी हो गया, ही वॉज वेरी सैड, ही वॉज वेरी सैड, उसका दिल काफी दुखा और वो काफी दुखी हो गया। क्लियर, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन रीड करो। लॉस्ट चाइल्ड तो दुखी हो गया, नहीं दे रहे थे, लॉस्ट चाइल्ड पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब उससे उसका बच्चा चीजें मांग रहा था, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन, इग्नोर, सबसे अच्छा उनका मंत्र था ओम इग्नोर आय नमः, वो कुछ नहीं बोलते थे, सिंपल इग्नोर करते थे। ठीक है, एक बार रीड कर लो आंसर। लॉस्ट चाइल्ड के पेरेंट्स बिल्कुल इग्नोर करते थे अपने बच्चे को, इवन उसके पेरेंट्स ना का भी जवाब नहीं देते थे, हाँ का नहीं देना समझ आता है, इवन उसके पेरेंट्स उसको ना का भी रिप्लाई नहीं देते थे, दे डू नॉट इवन गिव द रिप्लाई ऑफ नो टू द चाइल्ड। क्लियर क्लियर, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन रीड करो। थोड़े समय बाद जब उसने सारी चीजें मुझे मांग ली, सब कुछ हो गया, तो थोड़े समय बाद लॉस्ट चाइल्ड के साथ क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ, दूर हो गया था, भटक गया था, रास्ता खो गया था, अपने मम्मी पापा से अलग हो गया। ठीक है, रीड करो आंसर। वीपिंग बैटली, लॉस्ट, थोड़े समय बाद लॉस्ट चाइल्ड अपने पेरेंट्स से दूर हो गया, पापा से दूर हो गया, जिनके साथ वो रहता था वो सेपरेट हो गया। वन मिनट, हाँ जी, नहीं, हाँ बोलो, एक मिनट, हाँ मैंने ये नहीं बोला था, मैं बोल रही थी कि जो लॉस्ट चाइल्ड था उसका इंटरेस्ट लूज हो गया था, मैं क्या बोल रही थी, लॉस्ट चाइल्ड लूजेस, हाँ लॉस्ट चाइल्ड थोड़े समय बाद खो गया था, ही हैड लॉस्ट, वो खो गया था, और जब वो खो गया था तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगा, ही स्टार्टेड वीपिंग बैडली, वो बहुत जोर जोर से रोने लगा। क्लियर क्लियर, चलो नेक्स्ट फिफ्थ पढ़ो। लॉस्ट चाइल्ड को किसने ढूंढा, ये कौन मिला लॉस्ट चाइल्ड को,
ऑथर मिल गया था उस बच्चे को। आंसर रीड करो। लॉस्ट चाइल्ड को ऑथर ने ढूंढा जो उसके जो सेपरेट हो गया था अपने पापा मम्मी से, उसको जो चैप्टर का ऑथर है उसने ढूंढ लिया। क्लियर। सिक्स क्वेश्चन रीड करो, पहले क्वेश्चन रीड करना। उस वक्त उस छोटे बच्चे की क्या कंडीशन थी जब वो बच्चा ऑथर को मिला था, क्या कंडीशन थी उसकी? He was crying badly, he was crying continuously, बहुत ज्यादा रो रहा था और सिर्फ ये चीख रहा था कि मुझे मेरे मम्मी पापा से मिलना है, मुझे मेरे मम्मी पापा को लौटा दो। I want to meet my father back। ठीक है, आंसर रीड करो। जब लॉस्ट चाइल्ड ऑथर को मिला तो वो काफी ज्यादा रो रहा था, वो बिल्कुल भी सही कंडीशन में नहीं था, बहुत ज्यादा रो रहा था। वो सिर्फ एक ही रट लगाई जा रहा था, एक ही बात चीख रहा था कि मुझे मेरे मदर और मुझे मेरे फादर वापस चाहिए और लौटा दो, ऐसा और कुछ भी नहीं बोल रहा था। क्लियर।